Yeah, we certainly need a huge uptick in the number of tradies working on housing construction. We have workforce challenges right across the country. The second one is through skilled migration programs, through targeted programs to bring in the skills we need, in this case, to build more homes. Going back to that target of 1.2 million homes over the next 5 years, Michael, in your view, is that too ambitious, too heroic a target? Heroic's a strong word. I'd call it ambitious but achievable. It's not going to be easy. What are the consequences if that target isn't met, if we don't get the 90,000 odd tradies into the system? We were surprised by the scale and depth of the shortages across the economy. Shortages that began before but were made worse by the pandemic. We may need to look at foreign workers to fill the vacancies immediately. Rob Scott, 7 News. ऑस्ट्रेलिया में आने वाले महीनों में स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज होने वाली है. ऑलमोस्ट 90,000 वर्कर्स या माइग्रेंट्स की इनको ज़रूरत पड़ेगी. क्यों पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, ये सारी बातें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं. यही कारण है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं तो. और कौन कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूं. तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं. अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको हो सकता है इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आने वाले महीनों में शायद इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इतनी ज़रूरत ना रहे इसकी. और अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मीट नहीं कर रही है ऑस्ट्रेलियन के रिक्वायरमेंट्स से, तो उसकी भी शायद ज़रूरत ना पड़े. और जो लाइसेंस वगैरह लेने की या एग्ज़ाम्स देने की या जो एप्लीकेशन फीस होती है वो भी शायद ये कम कर देंगे. क्योंकि मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने कैसे एप्लीकेशन फीस कम कर दी थी और सिर्फ एक साल का एक्सपीरियंस ही काफ़ी था. तो इस तरह से आने वाले कुछ महीनों में ये न्यूज़ आ रही है कि भई ये शायद ये कम कर दें. कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जो है 12 लाख घर को बनाने का टारगेट रखा है आने वाले टाइम में, मतलब अगले 4-5 सालों में. 2029 तक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 12 लाख घरों को बनाने के लिए एक टारगेट रखा है और टारगेट इन्होंने रख दिया है. लेकिन साथ के साथ ये जो माइग्रेशन स्कीम जो है उस पर ये स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं कि भाई जो माइग्रेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे आ गए हैं तो इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करेंगे. तो जब ये गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है तो इसके साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो पूरा सिनेरियो देख रहे हैं. और उस सिनेरियो में आप अगर पूरी तरह से देखें तो 90,000 वर्कर्स की इस वक्त डिमांड है, इस वक्त जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में. क्योंकि 12 लाख घरों को बनाने के लिए एक साथ जो है वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं है. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, अगर हम लेटेस्ट न्यूज न्यूज चैनल्स या आर्टिकल्स को देखें तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिमांड है वर्कर की, क्योंकि जो टारगेट्स इन्होंने रखे हैं वो बहुत ज्यादा है. 12 लाख वो भी इस क्वार्टर से ही स्टार्ट होने वाला है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सोबरे जो हेड है बिल्ड स्किल ऑस्ट्रेलिया के, और मिस डेनिटा वैन जो हेड है मास्टर बिल्डर ऑस्ट्रेलिया की, इन दोनों के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है और आने वाले टाइम में अगर वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं गवर्नमेंट तो इनको माइग्रेंट्स को अलाउ करना पड़ेगा, इनको अपने रूल्स को और लीनियंट करना पड़ेगा ताकि ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकें. अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, न्यूज चैनल्स के साथ साथ मैं आपको आर्टिकल्स भी दिखा देता हूँ जिसमें पूरी रिपोर्ट है और आप उसको पढ़ के समझ पाएंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त अपनी शॉर्टेज को मीट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. दोस्तों मैं आपके सामने ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जो इस वक्त लेटेस्ट आर्टिकल है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ऑस्ट्रेलियाज ट्रेडी शॉर्टेज 90,000 माइग्रेंट्स. तो 90,000 माइग्रेंट्स की इस वक्त शॉर्टेज होने वाली है. अ ग्रैंड टारगेट, एक बहुत बड़ा टारगेट है फॉर रेजिडेंशियल डेवलपिंग to be built in Australia will require more workers, but where will they come from? Workers तो इन्हें बहुत सारे चाहिए लेकिन ये आएंगे कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया की ministers का कहना है. ये जो आपको मैं report दिखा रहा हूँ ये 25 मार्च 2024 को publish हुई है. और government ने क्या decide किया है, if the federal government of goal of 1.2 million home, अगर इनका target 12 लाख घर बनाने का है by 2029 is to be met, अगर ये मिलना, अगर ये अचीव करना है तो मोर कंस्ट्रक्शन वर्कर विल बी नीडेड. तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए होंगे और उनमें से माइग्रेंट वर्कर्स आर द आंसर. तो अगर वो वर्कर्स चाहिए होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए माइग्रेंट वर्कर ही एक तरह का सोल्यूशन है, ये आंसर है. तो आप आगे बढ़ सकते हैं कि
43,000 dwellings are being built in Australia per quarter. हर एक क्वार्टर में 43,000 न्यू dwellings, न्यू घर बनाने हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 12 लाख 1.2 मिलियन न्यू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स विल बी कंप्लीटेड बाय 2029. और इसके लिए अकॉर्डिंग टू बिल्ड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया, ये एक जो एसोसिएशन है उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर ये टारगेट अचीव करने हैं तो 90,000 मोर वर्कर्स आर नीड टू बी फाउंड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स टू मीट दैट टारगेट. आप समझ सकते हैं कि लगभग एक लाख वर्कर्स की जरूरत है अगले 3 महीने में. आगे मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में पूरी डिटेल पढ़ के बता रहा हूँ, तो आखिर आपको पूरा पूरा व्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी. अकॉर्डिंग टू स्किल्स बिल्ड स्किल ऑस्ट्रेलिया, 90,000 एक्स्ट्रा वर्कर्स वुड बी नीड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स टू मीट द टारगेट ऑफ 1.2 मिलियन न्यू होम्स बाय 2029. तो आप समझ सकते हैं अगर इनको टारगेट अचीव करना है तो इनको कम से कम 90,000 एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए होंगे. रॉबर्ट सोबरा फ्रॉम बिल्ड स्किल्ड ऑस्ट्रेलिया सेड, तो रॉबर्ट सोबरा जो है बिल्ड स्किल्ड ऑस्ट्रेलिया के हेड है, वो ये कह रहे हैं कि न्यू रेजिडेंशियल डेवलपिंग्स आर बीइंग बिल्ड एट द रेट ऑफ 43,000 पर क्वार्टर, तो 60,000 वुड नीड टू बी बिल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर. तो आपको अगर 43 करने तो 60,000 जो आपको वर्कर्स और चाहिए होंगे. और एक हेड, दूसरे जो हेड है मास्टर्स बिल्डर ऑस्ट्रेलिया की डेनिटा वान, उनका ये कहना है कि दीज वर्क नंबर्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव इन द करंट सर्कमस्टांसिस. तो इस वक्त अगर देखा जाए इस सिचुएशन में ये नंबर्स अचीव करना बहुत मुश्किल है. तो उन्होंने तो ये कहा है कि हमें अट्रैक्ट करने के लिए वुमेन्स को भी यहाँ पे इन्वाइट करना चाहिए ताकि वो इस इंडस्ट्री में आए, अदरवाइज नहीं तो इन शॉर्ट टर्म मतलब आने वाले कुछ महीनों में उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया शुड लुक ओवरसीज, नहीं तो हमें बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा या फिर हमारी वुमेन जो है इसको ज्वाइन करें. तो आप समझ सकते हैं कि मैटर कितना सीरियस है. वी नीड टू बी लुकिंग एट माइग्रेशन सॉल्यूशंस, पर्टिकुलरली क्विक माइग्रेशन सॉल्यूशंस अराउंड हाउ वी आर यूजिंग इफेक्टिवली अवर ट्रेड फ्री एग्रीमेंट्स. मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त हमें अपने माइग्रेशन जो हो रही है उसके ऊपर एक सोल्यूशन देना जरूरी है, खासकर एक जल्दी से माइग्रेशन. मतलब किसी ने अगर अप्लाई किया उसका वर्क वीजा लगाने की जरूरत है, हमें जरूरत है तो उसको फटाफट वर्क वीजा मिल जाए, वो क्विक माइग्रेशन सोल्यूशन हमें चाहिए. तो ऑल्सो रिकोगनाइजिंग दिस इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दिस इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. तो हमें जो इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है उसके अंदर सबके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है. तो हम कैसे जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं बाकी कंट्रीज को जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनको कैसे कर सकते हैं, तो वो जो उनकी इंग्लिश जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, तो उसके लिए हमें अपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा. तो अब दूसरे इशू इनका ये है कि जो फॉरेन वर्कर्स है ना कंस्ट्रक्शन स्किल्स से, वो क्या करते हैं कनाडा का चूज करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन रहा है कनाडा. कंट्रीज लाइक कनाडा विच आर कंपेरेबल इन लाइफस्टाइल एंड फेसिंग अ सिमिलर वर्क फोर्स शॉर्टेज आर मोर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बिकॉज दे अलाउ सिंपल वर्क परमिट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड दे डायरेक्ट रूट टू पीआर इवन विदाउट जॉब ऑफर. तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये इन्होंने बताया है कि कनाडा जो है वो पीआर भी दे देता है. कनाडा जो है बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में भी है, हमारे ही जैसे लाइफस्टाइल में है, और वो वर्क परमिट अलाउ करता है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में, लेकिन हम नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं करता है. तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसका जो सोल्यूशन है आगे जाके हमें मिलने वाला है जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ये जो माइग्रेशन जो रूल्स है थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए. और उसके बाद उन्होंने आगे ये बोला है कि जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनके पास लाइसेंस जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो फीस होती है वो बहुत मुश्किल हैवी होती है, एक्सपेंसिव होती है, और वो काम बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है. तो इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने आगे बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन फीस को कम करना चाहिए और एक अच्छा रिकॉग्निशन ओवरसीज ट्रेड क्वालिफिकेशन और लोअर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट. तो जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम करनी चाहिए. जैसे 5 बैंड के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको 4 कर देना चाहिए, ये कहना उनका है. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट जो है पूरी प्रॉब्लम में है और वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे बताई जा रही हैं. तो शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है. आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो वी आर नॉट फोकस करंटली ईजियर एक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन एक्सेसिंग कोचिंग माइग्रेट. तो ये जो चीज़ें हैं इसके कहने का मतलब यही है कि हमारी क्वालिफिकेशन और ऑस्ट्रेलिया के जो रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप है उसको मीट करना, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है. दिस दीज कॉल्स
कम एज द फेडरल गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू क्रैक डाउन ऑन नेट ओवरसीज माइग्रेशन। तो ये सब चीजें, ये मुद्दे क्यों उठे हैं जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है माइग्रेशन जो है वो ओवरसीज माइग्रेशन जो है उसको कम करेंगे, तब ये बात उठी है कि तुम एक तरफ से कह रहे हो कि तुम्हें इतने घर बनाने हैं और स्किल्ड लेबर हमारे पास है नहीं है, और वो जो स्किल्ड लेबर है, जो टोटल माइग्रेशन जो होती है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी सिर्फ 3% है। जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सिर्फ 3% लोग ही हैं जो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो रहे हैं, बल्कि वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये फैक्ट है, ये जो नंबर्स बता रहे हैं उसके बेस पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर उन्हें अपने दावे सही साबित करने हैं, 12 लाख घर बनाने हैं या कुछ भी करना है, तो उन्हें ये स्किल्ड लेबर्स के लिए जो है माइग्रेशन जो स्कीम्स हैं वो थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, उनकी शॉर्टेज को कंप्लीट करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा। और क्या क्या कम करना पड़ेगा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम करनी पड़ेगी, उनको जो है एक्सपीरियंस जो है इतना ज़्यादा नहीं मानना पड़ेगा, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन की और लाइसेंस की वो सब उनको कम करनी पड़ेगी, और फटाफट क्विक माइग्रेशन स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं, इस फील्ड में हैं, अगर आप एक मेसन हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, स्प्रे पेंटर हैं, या फिर आप आर्किटेक्ट भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं, ऑक्यूपेशन होती हैं, अगर आप इस ऑक्यूपेशन में हैं, आपके पास मिनिमम 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश चाहे आपकी इतनी अच्छी ना भी हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जो रूल्स हैं वो लीनेंट होने वाले हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर अपने पे प्रेशर पड़ेगा। तो आप अपने अच्छे डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कीजिए और एम्प्लॉयर को सर्च करना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ जो रूल्स होते हैं उसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से एम्प्लॉयर आगे स्टेप नहीं उठा पाते हैं। बस आप अपनी तरफ से रेडी रहिए, और आप अपनी तरफ से रेडी रह के जॉब्स अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, एम्प्लॉयर को सर्च कीजिए और वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी एम्प्लॉयर को अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आप अपना रिज्यूम भेज रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए जिसमें आपके बारे में सारा कुछ लिखा हो, आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, कितने साल किया है, उसमें क्या क्या काम किया है, आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना आता है, तो ये सारी बातें वहाँ पे कीवर्ड्स के साथ लिखी होनी चाहिए। एक अच्छे सीवी कवर लेटर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और एक अच्छे सीवी को लेकर हमारी क्या गलतफहमियां हैं, क्या मिथ हैं, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, मिथ अबाउट सीवी। तो जो गलतफहमियां हमारे अंदर हैं एक सीवी को लेके, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप ट्राई कीजिए ऑस्ट्रेलिया में, और हो सकता है आपका वर्क वीज़ा लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।